फील्ड लिमिटेड पाताखेड़ा की भूमिगत खदानों में हथियारबंद आरोपियों के घुसने का सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा है। भूमिगत खदानों में हथियारबंद आरोपियों का घुस जाना WCL प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। बताया जाता है कि बीती रात को 6 से 7 हथियारबंद डकैत तवा वन खदान में रात 11 बजे के लगभग लैंप रूम में घुसे। वहां से फिल्टर प्लांट के पास बेल्ट के आसपास देखा गया उन्हें। दो आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर भूमिगत खदान में प्रवेश कर चुके थे और लगभग 10 मीटर आरामार केबल को छीलकर एक ही स्थान पर रख दिया था। WCL के कर्मचारियों ने बताया कि जिस स्थान पर आरामार केबल छीन कर रखा गया वहां पर 3 आरोपियों के नंगे पैर के निशान बने हुए। संभावना व्यक्त की जा रही कि 2 से 3 हथियारबंद आरोपी तवा वन खदान में घुसे हुए थे। WCL का सुरक्षा विभाग पाताखेड़ा पुलिस इस मामले में सर्चिंग करने में जुटी हुई है। हालांकि सारनी थाना प्रभारी रत्नाकर हिगवे का कहना है कि आरोपियों के माध्यम से तवा वन खदान पर हथियारबंद अटैक करने का कार्य किया गया था, लेकिन किसी भी WCL कर्मचारियों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो 2 आरोपी तवा वन खदान में उतरे थे वह अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब WCL को पता है कि हर बार तवा वन खदान में आरोपी घुस रहे हैं तो फिर WCL प्रबंधन यहाँ पर गनमैन की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहा है। गणभर टीवी के लिए सारणी बैतूल से गिरीश पांडे की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।